बाकी डिवाइस के टॉप पर भी इसका जो ईयर पीस है ये स्पीकर्स के तौर पर भी एक्ट करता है, मतलब इस डिवाइस के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, तो ऊपर से भी और नीचे से भी जब मिल गया साउंड आता है स्टीरियो साउंड, तो काफी मजे की फील आती है, 3D फील आती है स्पेशली गेमिंग और मूवीज के दरमियान। वाइल ऑन दी फ्रंट आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ इसका डिस्प्ले, जो कि ऑलमोस्ट 3K का, बल्कि मैं इसे 4K का डिस्प्ले ही कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है 40x3000 समथिंग का रेजोल्यूशन है, जो कि तकरीबन 4K के बराबर ही मैं से कहूँगा। काफ़ी अच्छा शार्प डिस्प्ले, स्पेशली इसके ब्राइटनेस के निट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको इवन सनलाइट में भी मैं जब यूज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा सनलाइट थी इसको, तो मुझे लग रहा था इवन सूरज के पास जाकर भी मैं यूज़ करूँगा तब भी अच्छा डिस्प्ले नज़र आएगा। 800 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस ये डिवाइस भी सपोर्ट करती है, और ये मैंने वाकई में फील किया, क्योंकि जब मैं इसे बिल्कुल धूप के अंदर जाके यूज़ कर रहा था तब भी मुझे डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर और शार्प नज़र आ रहा था। और टू बी ऑनेस्ट, इस डिवाइस के मेरे मोस्ट फेवरेट फीचर्स में से वन ऑफ द बेस्ट फीचर इस डिवाइस का मुझे डिस्प्ले लगा है। इसका कैमरा और इसकी चार्जिंग टाइम मुझे सबसे अच्छा फीचर लगे, क्योंकि इसका चार्जिंग टाइम भी बहुत जल्दी डिवाइस चार्ज कर देता है, ऑलमोस्ट 38-40 मिनट्स के अंदर 0-100% मैंने वाकई एक्चुअली टेस्ट करके देखा, तो वाकई में 0-100% इतने टाइम में ही इसने चार्ज कर दिया था, जो कि मैं कहूँगा आज तक का मैंने जितने फोन यूज़ किए उनमें से सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग डिवाइस यही थी। हाँ, लेकिन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर डिवाइस में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिल रही, जो कि यूजली चार्जिंग के दौरान ऊपर ऑन होती है ग्रीन या रेड कलर की, लेकिन वो आई गेस इतना बड़ा कोई कॉन नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही चार्ज प्लग इन करते हैं तो आपकी डिस्प्ले फौरन से ऑन हो जाता है, पता लग जाता है कि आपकी डिवाइस चार्ज हो रही है या नहीं।
लेकिन स्टिल आई डोंट नो, काफी लोग फिर भी क्वेश्चन हमसे करते हैं रेगुलरली कि क्या इसके अंदर एलईडी नोटिफिकेशन लाइट है। तो इस डिवाइस में मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस के अंदर आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलेगी। बाकी मैं आपको बता दूं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस डिवाइस में मिल रहा है और काफ़ी तेज़ है और इसका फेस अनलॉक भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब इसको मैंने बहुत मल्टीपल एंगल से भी टेस्ट करके चेक किया है, किसी भी एंगल से चेक करो, इवन लो लाइट कंडीशन में भी बैक साइड से लाइट आ रही हो फिर भी फ़ौरन से आपका फेस डिटेक्ट करके डिवाइस को अनलॉक कर देता है। तकरीबन सारी फ्लैगशिप वाली क्वालिटीज़ आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेंगी। सो गाइस, इसके डिस्प्ले के बारे में मैं थोड़ा सा इनडेप्थ आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस डिवाइस का डिस्प्ले आपको मिल रहा है एमोलेड स्क्रीन के साथ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है। स्पेशली इस डिवाइस की शार्पनेस और कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। इवन मल्टीपल सिनेरियोज में मैंने इसको चेक किया है, हर सिनेरियो में तकरीबन अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, स्पेशली इसकी डिवाइस के अंदर, क्योंकि आप रेजोल्यूशन भी स्विच कर सकते हैं फुल HD या क्वाड HD के अंदर। और स्पेशली इसके नोटिफिकेशन के अंदर एक O1 अल्ट्रा विजन इंजन के नाम से एक फीचर अवेलेबल है, जो कि स्पेशली आप YouTube वीडियोज़ अगर इसके अंदर देखेंगे, कोई भी वीडियो आप इसके अंदर देखेंगे, इवन गेमिंग के अंदर भी, तो वो हर चीज़ को नॉर्मली अगर 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर नहीं भी है तब भी वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड करके रेंडर करके आपको शो करता है, जिसकी वजह से काफ़ी रियलिस्टिक सी लगती है सारी मूवमेंट। मतलब मूवीज़ भी लग रहा होता है कि रियल टाइम में सब कुछ मूव हो रहा है। मतलब अगर कोई वीडियो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी शूट होकर अपलोड हुई है, वो भी वीडियो इसके अंदर 60 फ्रेम्स पर सेकंड की शो होती है। और ऊपर से इसके अंदर रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ का भी अवेलेबल है, 120 हर्ट्ज़ का भी आप स्विच कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज़ पे तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मूवमेंट आती है, लेकिन मैंने नोट किया कि थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो उसको अगर आप नॉर्मली 60 हर्ट्ज़ पर भी यूज़ करेंगे तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन गाइस, स्पेशली जब इसके अंदर मैं YouTube देख रहा था मूवीज़ के लिए और वीडियोस के लिए, तो उसके ऊपर अल्ट्रा विजन इंजन भी मैंने ऑन किया, क्वाड HD रेजोल्यूशन ऑन कर दिया और उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी ऑन किया, तो बिलीव मी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बस ये था कि डिवाइस बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही थी, लेकिन ये है कि वो एक्सपीरियंस वर्थ वॉचिंग था, कि अगर आपने स्पेशली कोई मूवी देखनी है या नेटफ्लिक्स इवन देखना है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए, एक दो घंटे के लिए, अगर आपने कोई सीजन वीजन देखना है तो आप सारी चीज़ें ऑन करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसके अंदर देख सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद आप वापस सब चीज़ों को स्विच बैक कर सकते हैं और अपने फ़ोन का इवन आप चार्जिंग भी करेंगे तो बिलीव मी, आप इसे थोड़ी देर के लिए चार्जिंग करेंगे तो आप इसकी स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद इन मैक्सिमम 30-40 मिनट्स के अंदर आपका फ़ोन 0-100% फुली चार्ज कर देता है। एंड यस, ये फ़ोन IP रेटिंग के साथ आता है, इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट भी है और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। मतलब बारिश में भी अगर फ़ोन आप यूज़ करेंगे, इवन अगर पानी के अंदर गिर भी जाता है तब भी इस फ़ोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन स्पेशली इस डिवाइस की कोई खास बात नहीं, क्योंकि यूजुअली जितनी डिवाइसेज भी इतनी प्राइस रेंज में आती है, यूजुअली तकरीबन सारी डिवाइसेज में IP रेटिंग होती है, तो मेरे लिए इतनी प्राइस में ये फीचर होना आई थिंक नॉर्मल सी बात है। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस मैं आपको बताऊं, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंड्रॉइड वेरिएंट 10 मिल रहा है कलर ओएस के साथ, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके अंदर जो कलर ओएस है, मुझे यूजुअली कलर ओएस इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि काफ़ी कार्टूनिश और बच्चों वाली लुक आती है आइकन्स वगैरह की, लेकिन इसके अंदर जो कलर ओएस अवेलेबल है, इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस वगैरह काफ़ी प्रोफेशनल सा अच्छा डिसेंट लुक दे रहा है, और इसके अंदर सारे वो फीचर्स डार्क मोड वगैरह, एंड्रॉइड 10 के सारे लेटेस्ट फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। और स्पेशली इस डिवाइस के अंदर जो कलर ओएस अवेलेबल है, इसका एक्सपीरियंस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी ओप्पो के डिवाइसेस से। एंड व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर और गेमिंग, तो ट्रस्ट मी, इस डिवाइस के अंदर मैंने मोस्ट हाई एंड, बल्कि पबजी इसके अंदर क्या चलेगी नहीं भागेगी, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर एक तो फ्रेम रेट भी आपको 120 हर्ट्ज़ के साथ, रिफ्रेश रेट भी प्लस फ्रेम रेट भी मैंने इसके अंदर एक्सट्रीम पर स्विच किया, और HDR पर जब स्विच किया तो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा लाइवली था, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक मूवमेंट, बल्कि लग रहा था यार एक्चुअल में चीज़ें मूव हो रही हैं सामने। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिल्कुल भूल जाएं इस डिवाइस के अंदर, बल्कि मल्टीटास्किंग भी अगर आप इसके अंदर करना चाहते हैं तो एट टाइम्स आप मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस भी मेरे ख्याल से इसके अंदर खोलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 GB की रैम और 512 GB की रोम है, तो कभी भी ये डिवाइस आई डोंट थिंक कभी भी हैंग करेगी। एंड फाइनली मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि कैमरा, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था और मैं काफ़ी क्यूरियस था और काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाई भी हुआ हूँ इस डिवाइस के कैमरा से, क्योंकि इस डिवाइस के बैक कैमराज, फ्रंट कैमराज, स्पेशली इसके अंदर जो माइक टेक्नोलॉजी है, वो सैमसंग की S20 अल्ट्रा का मैंने जो ट्रेलर देखा था, मैंने यूज़ तो नहीं की, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स है तकरीबन वो सारे फीचर्स आपको इस डिवाइस के अंदर भी मिलेंगे। स्पेशली माइक टेक्नोलॉजी में जो जूम इन वाला फीचर है, मतलब ऑडियो जूम इन, आप अगर वीडियो बनाते हुए किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर जूम इन करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की ऑडियो भी गेन बढ़ाता रहेगा, मतलब अगर आपके सामने कोई दूर मूवमेंट हो रही है आप उसको जूम इन करेंगे वो स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट की ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा, जिसके बाद आपको काफ़ी क्लियर सुनाई देगा वो साउंड। एंड गाइस, इसके कैमरा के इस फीचर को टेस्ट करने के दौरान जब मैं जूम इन करके वीडियो को देख रहा था तो हमारे नेबर में दूर खड़े एक अंकल फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैंने जूम इन करके सुनने की कोशिश की तो बिल्कुल क्लियरली ऑडियो कैप्चर हुआ था, थोड़ा सा अनएथिकल था। सो यस, इसका वो फीचर भी काफ़ी कमाल का है, स्पेशली वीडियो के अंदर तो मैं फ्लैगशिप से इस डिवाइस से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और इस डिवाइस ने काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी किया है,
लेकिन काफ़ी डिवाइसेस मैंने देखे कि वीडियो तो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देती है लेकिन उसके साथ साउंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं आती, लेकिन इस डिवाइस के अंदर साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो कि मैं यूजुअली गाने वगैरह भी कवर करता रहता हूँ, तो उसके लिए मुझे वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी बेहतर चाहिए होती है। तो मैंने वो भी टेस्ट करने की कोशिश की तो वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़, इवन अगर आप डिवाइस को अपने से बहुत दूर भी रखेंगे फिर आप कोई गाना वगैरह रिकॉर्ड करेंगे फिर भी आपकी आवाज़ को बहुत क्लियरली बहुत क्रिस्प साउंड आएगी। मतलब आई डोंट नो, वीडियो के अंदर जो ऑडियो की रेंडरिंग थी स्पेशली वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ताबीर ले आओ मैं तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे। और वीडियो के अंदर आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 4K 1080p 4K 60fps 4K 30fps 1080p 30fps 1080p 60fps इवन स्लोमो भी आपका 1080p तक रिकॉर्ड करता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड वन बेस्ट थिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस डिवाइस की, दैट वाज द स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस फोन। आप देख सकते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन में स्पेशली एक डेडिकेटेड स्टेडी मोड है जिसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है। मतलब नॉर्मली भी वीडियो स्टेबलाइज कर रहा होता है लेकिन आप जब स्पेशली स्विच करते हैं अल्ट्रा स्टेडी मोड पर तो आप जैसे ही हैंड को मूव करेंगे बिल्कुल ट्राईपॉड वाली मूवमेंट आती है। तो इसकी जो स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वीडियो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसके अलावा ना सिर्फ बैक पर बल्कि फ्रंट पर भी वीडियो के अंदर स्पेशली लाइव बुके मोड भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से फोकस करता है, बैकग्राउंड आपकी मर्जी के मुताबिक ब्लर कर देगा, मतलब जो DSLR में इफेक्ट। काफ़ी लोग जो आजकल व्लॉगिंग